समस्तंको शुभदिन। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती कि तुम्हें समस्ते जानिछ आज तुम्हें किछि नुआ शिखिब, किंतु ता पूर्वरु आस शेष क्लास रे कौन शिखिथिले तहार अभ्यास करिबा। तुम्हें कहिपारिब आमे काउंट फॉर्मूला रो व्यवहार काहीं की करू? काउंट साहाज्य रे तुम्हें जेउ सेल गुड़ी करे नंबर रही थाए ताहा को तुम्हें काउंट करी परिबो। तुम्हें कही परिबो काउंट ब्लैंक रो व्यवहार काहीं की करा जाए? काउंट ब्लैंक रो व्यवहार द्वारा तुम्हें सिलेक्ट करी थिबा तुम्हारा डाटा किंबा टेबल रे थिबा ब्लैंक सेल गुड़ी को काउंट करी परिबो। आमे काउंट ए फॉर्मूला रो व्यवहार काहीं की करू? काउंट ए फॉर्मूला सहाय्य रे तुम्हें सही सबु सेल को काउंट करी परिबो जेउथिरे नंबर किंबा टेक्स्ट रही थाए। तुम्हें कही परिबो एवरेज एवं एवरेज ए मध्यरे पार्थक्य कौन अटे? एवरेज फॉर्मूला द्वारा तुम्हें नंबर गुड़िकर एवरेज बाहर करि परिबो। सेथिरे टेक्स्ट किंबा नंबर थिले मध्य एवरेज फॉर्मूला टेक्स्ट को काउंट करि न थाए। सही परि एवरेज ए फॉर्मूला नंबर सहित प्रत्येक टेक्स्ट रो वैल्यू को गोटिए नंबर भली धरि थाए एवं एही परि उभय टेक्स्ट एवं नंबर को मिसाइबा परे एवरेज बाहरी थाए। तुम्हें कही परिबो स्क्वायर रूट फॉर्मूला रो व्यवहार काहीं की करा जाए? जेकोणसी नंबर रो स्क्वायर रूट वैल्यू बाहर करिबा पई स्क्वायर रूट फॉर्मूला तुमको सहाय्य करी थाए। उदाहरण स्वरूप जदि तुम्हें 49 नंबर दियो तबे स्क्वायर रूट फॉर्मूला एहार स्क्वायर रूट वैल्यू 7 देई थाए। वर्तमान तुम्हें समस्ते तुम्हारा कंप्यूटर को स्विच ऑन करो एवं तुमको कुहा जायतिबा माध्यम रे तुम्हारा कैल्क फाइल को ओपन करो। आसो एबे देखिबा तुम्हें आजिरो क्लास रे कौन सिखिबो। आजिरो क्लास रे तुम्हें गोटिए टेबल तैयारी करिबो एवं तापरे तुम्हें डाटा मेनू रो किछि ऑप्शन गुड़ी को विषय रे सिखिबो, जेमिति कि डिफाइन रेंज, सिलेक्ट रेंज, सॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल, वैलिडिटी एवं टेक्स्ट टू कॉलम। तापरे तुम्हें किसी फॉर्मूला जेपरी कि नाउ, टुडे, मंथ, डे एवं ईयर विषय रे सिखिबो। शेष रे किछि फॉर्मूला गुड़ी कर अभ्यास करिबो जेउ गुड़ी को तुम्हें पूर्व क्लास रे सिखिथिलो। एबे जाओ एवं तुम्हें समस्ते तुमको देखा जाइथिबा भली गोटिए टेबल तैयारी कर किंबा तुम्हारो पुराना सीट को ओपन कर। कौन तुम्हें समस्ते टेबल तैयारी करी देलो कि? वर्तमान आमे डाटा मेनू रो डिफाइन रेंज एवं सिलेक्ट रेंज ऑप्शन विषय रे सिखिबा। डिफाइन रेंज रो व्यवहार करी तुम्हें टेबल रे जे कोनसी भाग को सिलेक्ट करी परिबो जहा को तुम्हें बारंबार व्यवहार करिवा पई चाहू थाओ। एवं जदि तुम्हें डिफाइन करितिबा डाटा को देखिवा पई चाहू छ तेबे तुम्हें सिलेक्ट रेंज ऑप्शन रो व्यवहार करिबो। डिफाइन रेंज एवं सिलेक्ट रेंज विषय रे सिखिवा पई एही वीडियो देखो। वर्तमान आमे डिफाइन रेंज एवं
सिलेक्ट रेंज विषय रे सिखिबा एथि पई प्रथमे तुमे प्रथम कॉलम टिकु सिलेक्ट करो जे भली वीडियो रे देखा जाय छी ए कॉलम टिकु तापरे तुमार कर्सर किंबा पॉइंटर को डाटा मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक करो तापरे डिफाइन रेंज ऊपर गोटे थर क्लिक करो यह द्वारा तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो एठारे एही कॉलम पई गोटे नाम दियो जे भली वीडियो रे वर्तमान एठे टाइप करा जाय छी नेम तापरे एड ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक करो यह द्वारा तुम्हें देखि परिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा कॉलम टी एड होई गला सही परी परवर्ती कॉलम को सिलेक्ट करो बी कॉलम को तापरे डाटा मेनू को जाई डिफाइन रेंज को सिलेक्ट करो एबे एठारे बी कॉलम पई एठारे क्लास टाइप करो एहा परे एड ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक करो तापरे ओके बटन उपरे क्लिक करो एहा द्वारा बी कॉलम को मध्य तुम्हें डिफाइन कर देलो सही परी तुम्हें परवर्ती कॉलम को सिलेक्ट करो एहा परे डाटा मेनू को जाई डिफाइन रेंज को सिलेक्ट करो एवं एठारे नाम दियो प्रेजेंट एही भली बारे एठे टाइप करो यहाँ परे एड ऑप्शन उपरे क्लिक करो तापरे ओके बटन उपरे क्लिक करो सही परी तुम्हें परवर्ती कॉलम डी कॉलम को सिलेक्ट करो एवं यहाँ को डिफाइन करिबा पई डाटा मेनू को जाई डिफाइन रेंज उपरे गोटे थर क्लिक करो यहाँ परे एठारे तुम्हें लिव टाइप करो जेहेतु लिव कॉलम को तुम्हें सिलेक्ट करिछो एठारे लिव लेख एठा तुम्हें निज नाम दे मध्ये दे पारिबो निज तरफ रु एवं तापरे एड उपरे क्लिक करो तापरे ओके बटन उपरे क्लिक करो एहा द्वारा डी कॉलम मध्ये डिफाइन हे जइबो तापरे परवर्ती कॉलम को सिलेक्ट करो एहा परे पुनर्बार डाटा मेनू को जाओ एवं डिफाइन रेंज को सिलेक्ट करो एहा परे एठे टाइप करो टोटल डेज किंबा एठे टोटल टाइप करि परिबो एहा परे एड ऑप्शन को गोटे थर क्लिक करो तापरे ओके बटन को क्लिक करो एबे तुम्हें प्रत्येक कॉलम को सिलेक्ट करी डिफाइन कर देलो एबे संपूर्ण डाटा को सिलेक्ट करो तापरे डाटा मेनू को जाई डिफाइन रेंज को गोटे थर क्लिक करो यहाँ परे एठारे नेम जगह एठारे ऑल टाइप करो यहाँ परे एड ऑप्शन को क्लिक करो तापरे ओके बटन को क्लिक करो एबे तुम्हें डाटा गुड़ी को कॉलम वाइज एवं संपूर्ण डाटा को मध्य सिलेक्ट कर देलो एवं ताकु डिफाइन कर देलो एबे यहाँ को देखिवा पई डाटा मेनू को जाई एठारे सिलेक्ट रेंज उपर क्लिक करो एबे एठारे तुम्हें जेकोणसी गोटे को सिलेक्ट करी ओके बटन प्रेस कले तुम्हें देखि परिबो तुम्हें डिफाइन करथिबा कॉलम टी सिलेक्ट होई जाउछि एबे जदि तुम्हें बी कॉलम क्लास को पाइबा पई चाहौछ तो डाटा को जाओ एवं तापरे सिलेक्ट रेंज को सिलेक्ट करो या परे एठारे क्लास ऑप्शन को कोटे थर सिलेक्ट करो तापरे ओके बटन को क्लिक करो एबे तुम्हें देखि परिबो बी कॉलम रे क्लास लेखा जाइथिबा कॉलम टी सिलेक्ट होई जाइछि एबे परवर्ती कॉलम को पाइबा पई डाटा ऑप्शन को जाओ एवं तापरे सिलेक्ट रेंज ऑप्शन को गोटे थर क्लिक करो यहाँ पर एठारे तुम्हें लिव को सिलेक्ट करो एवं तापरे ओके बटन को गोटे थर क्लिक करो यहाँ द्वारा तुम्हें देखि परिबो डी कॉलम टी सिलेक्ट हो जाइछि यहाँ पर पुनर्बार तुम्हें परवर्ती कॉलम पई डाटा मेनू को जाई सिलेक्ट रेंज को सिलेक्ट करो यहाँ पर एठारे तुम्हें टोटल लेखा जाइथिबा ऑप्शन को गोटे थर क्लिक करो तापरे ओके बटन को क्लिक करो तुम्हें देखि परिबो एबे ई कॉलम टी सिलेक्ट हो जाइछि एबे संपूर्ण टेबल टी को पाइबा पई डाटा मेनू को जाई सिलेक्ट रेंज उपर क्लिक करो एवं एठारे ऑल को सिलेक्ट करी ओके बटन को प्रेस करो या द्वारा तुम्हें देखि परिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा संपूर्ण डाटा गुड़िक सिलेक्ट अवस्था रे आसी जाउछि एही परि भाबरे तुम्हें डिफाइन रेंज एवं सिलेक्ट रेंज ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो परवर्ती ऑप्शन टी सॉर्ट रो अटे कोन तुम्हें जानिछो कि सॉर्ट रो व्यवहार काहे कि करा जाय सॉर्ट ऑप्शन रो व्यवहार द्वारा तुम्हें तुम्हारो डाटा को एसेंडिंग ऑर्डर अर्थात सानरो बड़ एवं डिसेंडिंग अर्थात बड़ रो सानो आकार रखी पारिबो
तुम्हें संपूर्ण डाटा रे किंबा सिलेक्ट करथिबा डाटा रे सॉर्ट ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो। आसो एही वीडियो को देखि सॉर्ट ऑप्शन विषय रे अधिक सिखिबा। सॉर्ट ऑप्शन रो व्यवहार करी तुम्हें तुमरो डाटा को सानरो बड़ अर्थात एसेंडिंग किंबा बड़रो सान अर्थात डिसेंडिंग आकार रे सजाई परिबो। एथि पई प्रथमे ए कॉलम रे थिबा तुमरो डाटा को सिलेक्ट करो। नेम कॉलम को जेउ भली वीडियो रे देखा जाय छी एहा परे तुमरो कर्सर किंबा पॉइंटर को डाटा मेनू को नै गोटे थरो क्लिक करो। एहा परे सेठार थिबा सॉर्ट ऑप्शन को गोटे थरो क्लिक करो। तुम अगर गोटे बॉक्स आसीबो एठारे करंट सिलेक्शन ऑप्शन को गोटे थरो क्लिक करो। एहा द्वारा तुम आगरे आउ गोटे बॉक्स आसीबो एठारे सॉर्ट बाय नेम अर्थात नेम कॉलम तुम्हें सिलेक्ट करिछो। एठारे एसेंडिंग किमा डिसेंडिंग ऑप्शन रहिछि एठारे प्रथमे तुम्हें एसेंडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करो। तापरे ओके बटन को गोटे थरो क्लिक करो। एहा द्वारा तुम्हें देखी परिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा नेम कॉलम रे नाम गुड़िक ए रु जेड आकार रे सजा होई जाइछि। सेही परि पुनर्बार तुम्हें एहा को आउथर सिलेक्ट करो। तापरे डाटा ऑप्शन को जाई सॉर्ट ऑप्शन को गोटे थरो क्लिक करो। एहा परे करंट सिलेक्शन ऑप्शन को गोटे थरो क्लिक करो। पूर्व परि तुम आगर गोटे बॉक्स आसीबो एबे इठारे डिसेंडिंग ऑप्शन को क्लिक करो अर्थात तुम्हारा डाटा गुड़िक बड़रो सानो आकार आसीबो। तापरे ओके बटन को गोटे थरो क्लिक करो। एबे तुम्हें देखि परिबो नाम गुड़िक जेड टू ए एही आकार आसी जाइछि अर्थात प्रथमे भी एवं ए रे आरंभ होइतिबा नामटी शेषरे आसी जाइछि। एबे तुम्हें नंबर को सिलेक्ट करो। तापरे डाटा ऑप्शन को जाई सॉर्ट ऑप्शन को क्लिक करो। एबे इठारे करंट सिलेक्शन ऑप्शन को गोटे थरो क्लिक करो। एबे इठारे तुम्हें देखि परिबो इठारे प्रेजेंट कॉलम को सिलेक्ट करिछो। जदि ऑप्शन ऊपर क्लिक करिछो तुम्हें देखि परिबो इठारे विभिन्न प्रकार ऑप्शन रहिछि केस सेंसिटिव एभली विभिन्न प्रकार ऑप्शन रहिछि इठारे लैंग्वेज रहिछि एवं डायरेक्शन रहिछि टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट एभली बारे विभिन्न प्रकार ऑप्शन तुम्हें इठारे देखि परिबो। एबे सॉर्ट क्राइटेरिया को जाओ। एबे इठारे डिसेंडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करो अर्थात तुम्हारा डाटा गुड़िक बड़ सान आकार आसीबो। तापरे ओके बटन को गोटे थर क्लिक करो। तुम्हें देखि परिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा नंबर गुड़िक बड़ सान आकार आसी जाइछि। एबे एहा को पुनर्बार सिलेक्ट करो। तापरे डाटा ऑप्शन को जाई सॉर्ट ऑप्शन को गोटे थर क्लिक करो। एबे पुनर्बार इठारे करंट सिलेक्शन ऑप्शन को क्लिक करो। एबे इठारे एसेंडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करो अर्थात तुम डाटा गुड़िक सानारु बड़ आकार आसीबो। एबे ओके बटन को गोटे थर क्लिक करो। तुम्हें देखि परिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा नंबर गुड़िक सानारु बड़ आकार आसी जाइछि। एही परि भाबरे तुम्हें सॉर्ट ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो। परवर्ती ऑप्शन टी फिल्टर रो अटे। फिल्टर साहाज्य रे तुम्हें तुम्हारा सीट रु जेकोनसी सूचना को पाई परिबो। फिल्टर तीन प्रकार रो अटे ऑटो फिल्टर स्टैंडर्ड फिल्टर एवं एडवांस फिल्टर। वर्तमान तुम्हें केवल ऑटो फिल्टर विषय सिखिबा। ऑटो फिल्टर रो व्यवहार करी तुम्हें तुम्हारा डाटा रे जेकोनसी गोटे रो विषय रे सूचना बाहर करी परिबो किंबा तुम्हें प्रथम दसटी रो लिस्ट बाहर करी परिबो। आसो वर्तमान ऑटो फिल्टर रो व्यवहार विषय रे अधिक सिखिबा। फिल्टर ऑप्शन रो व्यवहार करी तुम्हें तुम डाटा गुड़िक मध्यरु कौनसी गोटे पर्टिकुलर डाटा रो सूचना पाई परिबो। एबे प्रथमे
तुम्हें प्रथम कलम को सिलेक्ट करो, नेम कलम को जो भाई वीडियो रे देखा जाए। यापर तुम्हें तुम कर्सर किंबा पॉइंटर को डाटा मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर। तापर से फिल्टर ऑप्शन पाख को तुम कर्सर नियो एवं ऑटो फिल्टर ऑप्शन उपर गोटे थर क्लिक कर। तुम्हें देखिपर नेम पाखरे गोटे ड्रॉप डाउन आइकन आसी जाए यह क्लिक कले तुम्हें देखिपर ये सब नाम गुड़िक रही टॉप 10 रही। जदि तुम्हें गोटे नाम उपर क्लिक करुछ तो तुम्हें देखिपर से ही नाम विषय सूचना आसी जाऊँगी। जदि तुम ये पुनर्बार आउ गोटे नाम को सिलेक्ट करुछ से ही नाम संबंध में जो डाटा गुड़िक रही तुम डाटा रे आसी जाऊँगी। आउ गोटे नाम को सिलेक्ट कर एबे तुम्हें देखिपर से ही नाम विषय सूचना टे आसी जाऊँगी। एबे ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक कर यठार ऑल सिलेक्ट कर जहाद्वारा तुम्हें देखिपर तुम संपूर्ण डाटा गुड़िक पुनर्बार आसी जाऊँगी। एबे नंबर गुड़िक फिल्टर लगवाई एबे तुम्हें सी कलम को सिलेक्ट कर। तापर कर्सर को नहीं डाटा मेनुरे गोटे थर क्लिक कर। तापर फिल्टर ऑप्शन को जाई सेठारे ऑटो फिल्टर ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर। एबे तुम्हें देखिपर सी कलम रे प्रेजेंट पाखरे ड्रॉप डाउन आइकन आसी जाइछि एवं जदि तुम्हें एठारे ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक करुछ एठारे तुम्हें देखिपर एठारे टॉप 10 ऑल एवं अन्य नंबर गुड़िक रही स्टैंडर्ड फिल्टर ऑप्शन रही। एबे गोटे नंबर को सिलेक्ट कर तुम्हें देखिपर से ही नंबर सह थिबा डाटा गुड़िक तुम डाटा रे आसी जाउछि। एबे एठारे आउ गोटे नंबर को सिलेक्ट कर एबे तुम्हें देखिपर यह नंबर संबंध में जो डाटा गुड़िक रही तुम सीट्रे आसी जाउछि। एबे पुनर्बार एठारे ऑल को सिलेक्ट कर एवं तुम्हें देखिपर तुम संपूर्ण डाटा पुनर्बार तुम सीट्रे आसी जाउछि। एही भाव में तुम्हें फिल्टर ऑप्शन को व्यवहार करिपर। परवर्ती ऑप्शन टी सब टोटल अटे। सब टोटल साहाज्य रे तुम्हें बहुत किसी काम करिपर। उदाहरण स्वरूप तुम्हें जेकोसी रो को टोटल करिपर एवं तुम्हें जेकोसी रो को काउंट करिपर। एठारे एहीपरि बहुत ऑप्शन रही था जहाँ तुमको तुम डाटा रे सब टोटल ऑप्शन को व्यवहार करने साहाज्य करिथाय। एही वीडियो द्वारा तुम्हें सब टोटल ऑप्शन रो व्यवहार विषय अधिक सीख। सब टोटल ऑप्शन रो व्यवहार करने प्रथम तुम्हें यार गोटे डाटा को सिलेक्ट कर। एबे तुम्हें ई कलम रे एठारे टोटल डेज थिबा कलम टी को सिलेक्ट कर जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि। तापर तुम्हारे कर्सर को डाटा मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर। यापर से सब टोटल ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर। तुम आगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो एठे तुम्हें देखिपर ग्रुप बाय रही अर्थात एठार जो कलम को तुम्हें सिलेक्ट कर। यठार तुम्हें देखिपर विभिन्न प्रकार फंक्शन रही जो भाई सम काउंट एवरेज मैक्स मीन। एबे सम को सिलेक्ट कर। तापर ओके बटन को गोटे थर क्लिक कर। एबे तुम्हें देखिपर तुम्हें सिलेक्ट कर डाटार सम वैल्यू बाहरी आसी। यापर से तुम्हें डी कलम को इधर सिलेक्ट कर जोटा कि लीव कलम रही। तापर तुम कर्सर को डाटा मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर। यापर से सब टोटल ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर। एबे तुम आगे जो बॉक्स ओपन हेबो एठारे तुम्हें एबे काउंट को सिलेक्ट कर। आम ये सिलेक्ट कर डाटा डाटार काउंट बाहर करिबा। तापर ओके बटन को गोटे थर क्लिक कर। तुम्हें ये देखिपर ये तुम सेल रो काउंट आसी जाइए आठटी सेल रे डाटा रही जो भाई वीडियो तुम्हें देखिपार यार तुम्हें देखिपर ये आठटी सेल रे तुम्हारा डाटा रही तेणु यार काउंट आठ आसला
एबे सही परी सी कॉलम को सिलेक्ट कर जो भाई वीडियो रे देखा जाई छी। तापरे डाटा मेनू को जाओ एवं गोटे थर क्लिक कर। तापरे सब टोटल ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर। एबे तुम आगरे ओपन होइतबा बॉक्स रे एठारे एवरेज ऑप्शन को सिलेक्ट कर। एबे हमर डाटा रो एवरेज बाहर करिबा तेणु एबे इठारे आउ थरे ओके बटन को क्लिक कर। एबे तुम्हें देखि परिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा तुम्हारो डाटा रो एवरेज आसी जाई छी जे भली तुम्हें वीडियो रे देखि पारु छौ। एही भली भाबरे तुम्हें सब टोटल ऑप्शन को व्यवहार करी विभिन्न फंक्शन रो व्यवहार करी परिबो जो भले तुम्हें वीडियो रे देखि पारु छौ। ता परे वैलिडिटी विषय रे सिखिबो जेते बेले तुम्हें तुम्हारा जे कोनोसी कॉलम रे कोनोसी कंडीशन लगाया पई चाहू छ सेते बेले तुम्हें वैलिडिटी ऑप्शन रो व्यवहार करिबो। उदाहरण स्वरूप जदि तुम्हें चाहू छ तुम्हारा टेबल रो कॉलम रे केवल टेक्स्ट आसीबा पई एवं किछि नंबर आसीबो नहीं तेबे तुम्हें वैलिडिटी ऑप्शन रो व्यवहार करिबो। आसो वर्तमान एही वीडियो साहाज्य रे वैलिडिटी ऑप्शन रो व्यवहार विषय रे सिखिबा। वर्तमान आमे वैलिडिटी ऑप्शन रो व्यवहार करिबा एथि पई तुम्हें सब टोटल ऑप्शन द्वारा जो डाटा गुड़ी को तैयारी करथिलो ताहाकु अंडू ऑप्शन द्वारा ताहाकु गोटे गोटे करी हटाई दियो जो भली वीडियो रे देखा जाई छी। एहा द्वारा तुम पाखरे तुम्हार पुराना डाटा आसी जीवो। वर्तमान वैलिडिटी ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई गोटे नुआ सेल को सिलेक्ट कर। तापरे डाटा ऑप्शन को जाई गोटे थर क्लिक कर। एहा परे एही ठारे वैलिडिटी ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर। तुम आगर गोटे बॉक्स आसीबो एही ठारे प्रथमे क्राइटेरिया ऑप्शन को सिलेक्ट कर एवं एही ठारे अलाउ ऑप्शन को जाई ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक करी एही ठारे जेकोनसी गोटे ऑप्शन को सिलेक्ट कर। जेउ भले वर्तमान होल नंबर को सिलेक्ट करा दे छी तुम्हारा सीट रे एवं एठारे कंडीशन लगाओ एठारे ग्रेटर देन लेस देन एठारे विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही छी। एठारे ग्रेटर देन को सिलेक्ट कर एवं एठारे गोटे वैल्यू टाइप कर 100 अर्थात मिनिमम वैल्यू होची 100। 100 रु अधिक डाटा रे एंट्री कले तहा तुम्हारा सीट रे अलाउ हेबो। एहा परे इनपुट हेल्प को गोटे थर क्लिक कर। एहा द्वारा तुम्हें एठारे गोटे टाइटल दे परिबो एवं एरर अलर्ट को जाई एठारे तुम्हें एक्शन दे परिबो अर्थात जदि एहा अलाउ न होउची तेबे एठारे वार्निंग मेसेज सो करिबो एवं जहां वार्निंग मेसेज आसीबो किंवा एरर मेसेज आसीबो ता तुम्हें एठारे टाइप कइ परिबो। एहा परे गोटे थर ओके बटन को क्लिक कर। एहा परे तुम्हें एही सेल ले गोटे नंबर टाइप कर जे भली वीडियो रे वर्तमान एठारे 56 टाइप कर जाय छी। तुम्हें एठारे देखि परिबो एठारे गोटे बॉक्स रे एबे एरर मेसेज आछी कारण आमे ग्रेटर देन 100 एरर मेसेज टाइप करथिलु। जदि तुम्हें ओके बटन प्रेस करूछ तेबे एहा अलाउ होइ जइबो तुम्हारा सीट रे। सही परी आ गोटे सेल को सिलेक्ट कर। तापर डाटा ऑप्शन को जाई वैलिडिटी ऑप्शन को क्लिक कर। एबे इठारे क्राइटेरिया रे इठारे ड्रॉप डाउन आइकन रु गोटे ऑप्शन को सिलेक्ट कर जे भली वर्तमान इठारे डेट को सिलेक्ट कराई छी अर्थात डेट फॉर्मेट ही इठारे केवल अलाउ हेबो। एबे इठारे डाटा को जाई इठारे तुम्हें गोटे ऑप्शन को सिलेक्ट कर ग्रेटर देन ऑप्शन को सिलेक्ट कर एवं मिनिमम वैल्यू एठार गोटे टाइप कर जमती कि 7। यहाँ पर तुम्हें एठारे
ओके बटन को गोटे थर क्लिक कर एवं तुम्हें देखिपर जो तुम छ टाइप कर देखिपर इनवैलिड वैल्यू बोली यार एरर मेसेज आसुच्छा एलाउ हे ना जदि तुम्हें सात एंटर करें देखिपर यार इनवैलिड वैल्यू बोली आसुच्छ कारण यह गोटे डेट फॉर्मेट नुहे जदि तुम्हें यार बार टाइप कर डेट फॉर्मेट पर टाइम एंटर कर बार तापर दस अर्थात बारटा दस यह मध्य इनवैलिड आसीब कारण यह मध्य गोटे डेट फॉर्मेट नुहे जदि तुम्हें यार डेट खाली टाइप कर देखिबो यह इनवैलिड वैल्यू बोली आसुच्छ एवं आ गोटे सेल को सिलेक्ट कर तापर डाटा ऑप्शन को जाई वैलिडिटी ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर एवं यठार तुम्हें लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर एवं लिस्ट पई तुम्हें यठार विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही सिलेक्ट कर पार एवं यठार एंट्री रे तुम्हें इधर टाइप करी परिबो जहाँ तुम्हारा सीट रे एंट्री हेबो लिस्ट रे तुम्हें विभिन्न प्रकार टाइप करी परिबो जे भले इधर मासर नाम गुड़ को टाइप कराई छी यहाँ परे तुम्हें ओके बटन को गोटे थर क्लिक कर एवं तुम्हें देखिपर ये ड्रॉपडाउन आइकन आसी जदि तुम यार बार टाइप करुच तेबे तुम्हें देखिपर ये बार एवं ड्रॉपडाउन आइकन को क्लिक करी तुम्हें यार तुम्हें एंट्री करथिबा इनपुट गुड़िक यार एंटर करिपर जो भाई भिडियो देखा जाए भाव में ड्रॉपडाउन आइकन को क्लिक कर तुम्हें विभिन्न प्रकार मासर नाम कि तुम्हारा एंट्री गुड़िक सिलेक्ट करी परिबो एही भली भावरे तुम्हें वैलिडिटी ऑप्शन को व्यवहार करी परिबो आसो वर्तमान टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन विषय सिखिबा जेते बेले तुम्हें कौनसी कॉलम रे टेक्स्ट किंबा किछि नंबर सह कोमा किंबा किछि अलगा सिंबल रहिछि एवं तुम्हें सही सिंबल गुड़िक कौनसी अलगा कलम को आनियापाई चाहूछ सेतबेले तुम्हें टेक्स्ट टू कलम ऑप्शन रो व्यवहार करिबो आसो एही वीडियो साहाज्य रे टेक्स्ट टू कलम ऑप्शन रो व्यवहार किपरि करा जाय देखिबा वर्तमान टेक्स्ट टू कलम ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई तुम्हें वीडियो रे देखा जायथियो भली एहिठारे किछि टेक्स्ट टाइप करो जहाँ मध्य रे तुम्हें स्पेशल कैरेक्टर जमती कि कमा किंबा फुल स्टॉप किंबा अन्य किछि देई परिबो एवं टेक्स्ट टू कॉलम द्वारा यह को अलग करी परिबो एबे ए बी कमा एक्स वाई कमा जेड ए इबले टाइप करो जे भली वीडियो रे देखा जाय छि यहाँ परे यहाँ को सिलेक्ट करो तापरे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को डाटा मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर तापरे सेठारे थिबा टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर यह द्वारा तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो एठारे ऑप्शन रही सेपरेटेड बाय अर्थात जो ऑप्शन तुम्हारा रही टेक्स्ट मझेरे ताहा सिलेक्ट करिबो जो भाई इधर कमा रही तो यार कमा को सिलेक्ट कर एवं तुम्हें देखिपर ये प्रिव्यू ऑप्शन रे कमा हटिगला परे यह अलग अलग कलम रे किपरि आसुच्छे ओके बटन को गोटे थर क्लिक कर एवं तुम्हें देखिपर तुम्हें लिखिता तीनोटी टेक्स्ट अलग अलग हो जो भाई वीडियो तुम्हें देखिपर से तुम्हें आउ किछि टाइप कर जो भाई ये
डेट टाइप करा जाइछि गोटे डेट फॉर्मेट जेमती कि 14/07/2016 एवं 2016 एठे टाइप करा जाइछि। एबे एहा को अलगा करिवा पई एहा को गोटे थरो सिलेक्ट कर ए सेल टी को तापरे तुमर कर्सर किंबा पॉइंटर को डाटा मेनू को नहीं क्लिक कर एवं तापरे सेठर थिबा टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन को गोटे थरो क्लिक कर। एबे तुम आगर जो बॉक्स ओपन हेबो एबे तुम्हें देखि परिबो एही थारे तुम्हें जो स्लैश देइछो ता इठारे नाही तेणु एही स्लैश को अलगा करिवा पई तुमे एही ठारे अदर ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर एवं एही बॉक्स रे स्लैश एंटर कर जो सिंबल तुमे देइछो तापरे गोटे थर ओके बटन को क्लिक कर। यह द्वारा तुमे देखि परिबो तुमे डेट फॉर्मेट रे लेखितिबा तुमर लेखा गुड़ी को अलग अलग हो जो भाई तुम्हें भिडियो देखिपुछ। एबे एठारे आउ किछि टाइप करो टेक्स्ट टू कॉलम रो अभ्यास करिवा पई एठारे भिडियो देखाई भाई एठारे कंप्यूटर शिक्षा टाइप करो कंप्यूटर डॉट शिक्षा। एबे एहा को अलग करिवा पई एहा को गोटे थर सिलेक्ट करो तापरे डाटा ऑप्शन को जाई गोटे थर क्लिक करो तापरे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन को क्लिक करो। एबे तुम्हें देखि परिबो एटर थिबा डॉट एठार नाही तेणु एठार प्रथम टैब को अनसिलेक्ट करो एवं अदर ऑप्शन को गोटे थर क्लिक करो तापरे एठार डॉट एंटर करो एवं एठार प्रीव्यू तुम्हें देखि परिबो तापरे ओके बटन को गोटे थर क्लिक करो। एबे तुम्हें देखि परिबो तुम्हें टाइप करथिबा कंप्यूटर डॉट शिक्षा एबे अलग हो गोटे कलम कंप्यूटर एवं आउ गोटे कलम शिक्षा आसी जाइ भाव में तुम्हें टेक्स्ट टू कलम ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो। आसो तापरे नाउ टुडे ईयर डे एवं मंथ रो फॉर्मूला रो व्यवहार विषय सिखिबा कौन तुम्हें जानी छो आमे नाउ फॉर्मूला रो व्यवहार काहीं की करू। नाउ फॉर्मूला रो व्यवहार द्वारा तुम्हें तुम्हारो कंप्यूटर रे थिबा सही समय रो डेट अर्थात तारीख एवं टाइम अर्थात समय को तुम्हारो सीट रे आनी परिबो। एही वीडियो सहाय्य रे तुम्हें नाउ फॉर्मूला रो व्यवहार विषय रे सिखो। वर्तमान नाउ फॉर्मूला रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हें गोटे नुआ सीट नियो जो भाई वर्तमान एठारे सीट टू को सिलेक्ट करा जाय छी एवं एठारे गोटे नुआ पेज रे नाउ फॉर्मूला रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे ए कॉलम रे प्रथम सेल रे एठे टाइप करो NOW नाउ एवं तापरे ए टू सेल को सिलेक्ट करो एवं एठारे फॉर्मूला को टाइप करो एथिपाई समान चिन्ह दियो तापरे NOW टाइप करो जो भली वीडियो रे देखा जाई छी तापरे वीडियो रे देखाई दे भली ब्रैकेट को आरंभ करो एवं ब्रैकेट को क्लोज करो एवं तापरे गोटे थर एंटर बटन को दबाओ। एबे तुम्हें देखि परिबो एठारे किछि शो करू नाही कारण इठारे सेल टी छोट अटे या को वीडियो रे देखाई थे बोली बड़ करो एवं बड़ कला पर तुम्हें देखि परिबो इठारे डेट एवं टाइम आसी जाई छी तुम्हारो कंप्यूटर रु जो डेट एवं टाइम रही छी ता तुम्हारो सीट रे इंसर्ट हो जाई छी। एही बोली तुम्हें नाउ फॉर्मूला रो व्यवहार करि परिबो। तापरे
टुडे फॉर्मूला विषय रे सिखिबो जेतेबेले तुमे तुमरो कंप्यूटर रु केवल आजिरो डेट इनसर्ट करिवा पई चाहुचो सेतेबेले तुमे टुडे फॉर्मूला रो व्यवहार करिवो। आसो एही वीडियो को देखिबा एवं टुडे फॉर्मूला रो व्यवहार विषय रे सिखिबा। वर्तमान टुडे फॉर्मूला रो व्यवहार करिवा पई एठारे सी कॉलम को सिलेक्ट करो एवं एठारे टुडे टाइप करो जे भली वीडियो रे देखा जाई छी ता परे सी2 सेल को सिलेक्ट करो एवं फॉर्मूला पई एठारे प्रथमे समान चिन्ह दियो ता परे टाइप करो टुडे टी ओ डी ए वाई ता परे ब्रैकेट को आरंभ करो एवं ब्रैकेट को क्लोज करो मने रखिबो या मध्ये किछि टाइप करिवो नाही तापरे गोटे थोर एंटर बटन को दबाओ एहा द्वारा तुम्हें देखि पारिबो सेठारे आजिरो डेट टी आसी गई छि। एही भली भाबरे तुम्हें टुडे फॉर्मूला को व्यवहार करी सेही दिनर डेट को इनसर्ट करि पारिबो। आसो वर्तमान डे मंथ एवं ईयर फॉर्मूला रो व्यवहार विषय रे सिखिबा। तुम्हें डे फॉर्मूला रो व्यवहार सेतेबेले करिबो जेतेबेले तुम्हें कोनोसी डेट किंबा तारीख रु केवल डे किंबा दिन को देखिवा पई चाहुचो सही परी तुम्हें मंथ रो फॉर्मूला रो सही परी तुम्हें मंथ फॉर्मूला रो व्यवहार सेतेबेले करिबो जेतेबेले तुम्हें कोनोसी गोटिए डेट रु केवल मंथ माने मास पाइवा पई चाहुचो तुम्हें ईयर फॉर्मूला रो व्यवहार सेतेबेले करिबो जेतेबेले तुम्हें कोनोसी गोटिए डेट रु केवल ईयर अर्थात वर्ष पाइवा पई चाहुचो। तुम्हें एही वीडियो को देखी डे मंथ एवं ईयर फॉर्मूला रो व्यवहार विषय रे अधिक सिखो। वर्तमान मंथ फॉर्मूला रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे एठारे गोटे सेल को सिलेक्ट करो जे भली वीडियो रे देखा जाय छी एवं ता मध्ये मंथ टाइप करो एवं ता तळर सेल को सिलेक्ट करो एवं एठे टाइप करो समान अर्थात इक्वल टू चिन्ह दियो तापर मंथ टाइप करो तापर ब्रैकेट आरंभ करो एवं तुम्हें देखि परबे एठारे आसुचि नंबर अर्थात तुम्हें सही डेट को सिलेक्ट करो जो डेट रु तुम्हें मंथ रो वैल्यू बाहर करिया पई चाहुचो। एबे ए टू सेल को सिलेक्ट करो तापर ब्रैकेट को क्लोज करो एवं गोटे थर एंटर बटन को दबाओ यह द्वारा तुम्हें देखि परबे एठारे सेवेन वैल्यू आसुचि कारण तुम्हें देखि परिबो ए टू सेल जो डेट एवं टाइम रही मास होउछि सातर मास तेणु एठारे वैल्यू आसला सात। वर्तमान ईयर फॉर्मूला रो व्यवहार करिबा पई वीडियो रे देखा जाइथिबा पळी प्रथमे एठारे सी कॉलम रे ईयर टाइप कर तापरे परवर्ती सेल रे एठारे फॉर्मूला पई प्रथमे इक्वल टू चिन्ह दियो तापरे टाइप कर वाई ई ए आर एवं शिफ्ट एवं नाइन बटन को प्रेस करी ब्रैकेट आरंभ कर तापरे एठारे डेट को सिलेक्ट कर जेउथुर तुम्हें ईयर रो वैल्यू बाहर करिया पई चाहुछो तापरे ब्रैकेट को क्लोज कर एवं गोटे थर एंटर बटन को दबाओ एहा द्वारा ईयर रो वैल्यू बाहरी जीवो। एही भली भाबरे तुम्हें ईयर फॉर्मूला रो व्यवहार करि परिबो। वर्तमान तुम्हें पूर्व क्लास रे सिखिथिबा फॉर्मूला गुड़ी करो अभ्यास करो जाओ एवं एवरेज एवं एवरेज ए फॉर्मूला रो अभ्यास करो जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देखो एवं सिखो। वर्तमान एवरेज एवं एवरेज ए फॉर्मूला रो अभ्यास करिबा पई प्रथमे तुम्हें इठारे तुम सीट रे टाइप करो एवरेज जो भाई वीडियो रे इठारे टाइप करा जाइछि
एभली भावरे तुम एठारे टाइप करो एवरेज एवं तापरे एठारे किछि वैल्यू टाइप करो जेउ भली वीडियो रेट एठारे टाइप करा जायछि एठारे किछि नंबर टाइप करो जहार एवरेज हम बाहर करबा को जाउछु एठारे 60 एवं ता परवर्ती सेल लेठे टाइप करो 70 से भली परवर्ती सेल लेठे टाइप करो 80 एबे एही तीनोटी सेल लो एवरेज बाहर करिवा पई एठारे फार्मूला टाइप करो एथि पई एठारे प्रथमे इक्वल टू चिन्ह दियो तापर टाइप करो एवरेज ए बी ई आर ए जी ई ब्रैकेट आरंभ करो एवं तुम्हें टाइप करथिबा एही तीनोटी सेल को सिलेक्ट करो जहार एवरेज तुम्हें बाहर करबा को जाउछो 60 70 एवं 80 तीनोटी सेल को सिलेक्ट करो तापरे ब्रैकेट को क्लोज करो एवं गोटे थर एंटर बटन को दबाओ तुम्हें देखि परिबो तुम आगरे एठार एवरेज आसी जीवो 70 जो भली वीडियो रे देखा जाय छी वर्तमान एवरेज ए फॉर्मूला रो व्यवहार करिवा पई तुमे इठारे टाइप करो एवरेज ए एवरेज रे केवल नंबर गुडी करो एवरेज बाहरी थाए जे समय रे की एवरेज ए रे टेक्स्ट एवं नंबर दुईटी रो एवरेज बाहरी थाए एथि पई इठारे किछि टाइप करो जे भली वीडियो रे वर्तमान इठारे टाइप करा दै छी ए गोटे सेल ले एवं ता परवर्ती सेल ले टाइप कराई छी 100 50 एवं 50 करी दुईटी सेल ले टाइप कराई छी एवं ता परे आ गोटे रो रे टाइप करो बी एवं एठे टाइप करो 100 एबे एवरेज ए फॉर्मूला रो व्यवहार करिवा पई प्रथम रो पई एठारे तुम्हें टाइप करो फॉर्मूला पई इक्वल टू चिन्ह दियो अर्थात समान चिन्ह दियो तापर टाइप करो एवरेज ए वी ई आर ए जी ई तापर ए टाइप करो एवरेज ए तापर ब्रैकेट आरंभ करो एवं वैल्यू को सिलेक्ट करो एथि पई ए टेक्स्ट जो लिखा जाय छी ताठ आरंभ करी एही तीनोटी सेल को सिलेक्ट करो तापर ब्रैकेट क्लोज करो एवं गोटे थर एंटर बटन को दबाओ तुम्हें देखि परबो इठारे एवरेज आसी जाय छी जे समय तुम्हें एवरेज ए बाहर करू छो टेस्ट गुड़ी को पई एक नंबर धरा जाय थाय एबे सही भली परवर्ती रो पई एवरेज ए बाहर करिवा पई परवर्ती सेल रे तुम्हें फॉर्मूला पई इक्वल टू चिन्ह टाइप करो तापर एवरेज ए टाइप करो एवं ब्रैकेट आरंभ करो एबे बी सेल एवं 100 लिखाई सेल ए दुईटी को सिलेक्ट करो तापर ब्रैकेट को क्लोज करो एवं गोटे थर एंटर बटन दबाओ तुम्हें देखि परिबो एठारे वैल्यू आसुची 50 अर्थात एठारे दुईटी सेल रहिछि किंतु बी रो वैल्यू 1 तेणु 100 रे दुई भाग करा जायछि कारण दुईटी सेल एठार अछि तेणु यार वैल्यू 50 आसिला तुम्हें केवल टेक्स्ट रे एवरेज ए बाहर करिया पई चाहिबो तेबे एहार वैल्यू 0 आसिबो कारण एवरेज ए रे टेक्स्ट एवं नंबर दुईटी रो एवरेज बाहर करा जाय थाए एबे जदी एठार तुम्हें गोटे सेल ए एवं गोटे सेल बी टाइप करूछो एवं एहार एवरेज पई एठारे फार्मूला व्यवहार करूछो इक्वल टू चिन्ह तापर एवरेज ए टाइप करो एवं ब्रैकेट आरंभ करो एवं ए एवं बी लिखाई दुईटी सेल को सिलेक्ट करो
एबे ब्रैकेट को क्लोज कर एवं गोटे थर एंटर बटन को दबाओ। तुम्हें देखी पारिबो यार वैल्यू जीरो आसिला कारण केवल टेक्स्ट रे एवरेज ए बाहर करा जाई न थाए। एवरेज ए रे उभय टेक्स्ट एवं नंबर रो एवरेज बाहर करा जाई थाए। एही भली भाबे तुम्हें एवरेज एवं एवरेज ए रो व्यवहार करि पारिबो। तापरे जाओ एवं काउंट ए एवं स्क्वायर रूट रो फॉर्मूला रो अभ्यास करो। आजिरो क्लास एही ठारे शेष करिबा। तुम्हें समस्ते तुम्हारा फाइल को सेव करो एवं कंप्यूटर को सठिक भावरे बंद करो। आजिरो क्लास रे तुम्हें डाटा मेनू रो किछि ऑप्शन विषय रे सिखिलो जेमिति कि डिफाइन रेंज, सिलेक्ट रेंज, सॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल, वैलिडिटी एवं टेक्स्ट टू कॉलम। तापरे तुम्हें नाउ, टुडे, मंथ, डे एवं ईयर फॉर्मूला विषय रे सिखिलो। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करी छंती तुमे ईयर फॉर्मूला रो व्यवहार सेतेबेले करिबो जेतेबेले तुमे कोनसी गोटिए डेट रु केवल ईयर पाइबा पई चाहू छो।
जदि